सर क्या ऑडिट को रट्टा लगाना होता है, ये टेक्निक होती है एट सीफेप लेवल, इसे रट्टा नहीं लगाना होता, आपने समझना होता है और आपके पास ओपन बुक मौजूद होती है जो पेपर में आपको हेल्प कर सकती है। दो चीजें, कुछ सवाल आपके ओपन बुक से आंसर हो सकते हैं, समझे 15-20-25% ऑफ द पेपर आपका ओपन बुक आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन तकरीबन 50-60% ऑफ द पेपर आपकी जो पास पेपर्स की असेसमेंट है, आपने जो डिफरेंट पास पेपर्स को देख के एक अप्रोच डेवेलप की है, वो वहां से आपको हेल्प होती है। सर अगर ये ठीक है, वेल विल इट बी बेटर टू डू पास्ट पेपर टॉपिक वाइज और आफ्टर कंप्लीटिंग होल सिलेबस? मिक्स अप्रोच हो सकती है, आप एक दफा कम से कम 2-1 महीने तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स डेवलप होंगे फिर वो आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप बिल्कुल सिलेबस के एंड पे करें, लेकिन अगर आपके पूरा पोर्शन खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल 700 सीरीज खत्म हो गई है, आप उसके इकट्ठे पास पेपर्स देख लें, कोड ऑफ एथिक्स पूरा खत्म हो जाए तो उसके पास पेपर्स देख लें, बट अगेन कम से कम 2 महीने गुजार लें सिलेबस के अंदर, आपने मल्टीपल टॉपिक्स देख लिए हो तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है पास पेपर्स को समझना। हाँ जी, सवाल आहिस्ता आहिस्ता फुस होते जा रहे हैं, एक बात समझ आ गई कि अवाम को चीजें समझ आ रही हैं, जिन जिनको चीजें समझ आ रही हैं वो एक दफा यस लिख दें ताकि मुझे भी हौसला हो जाए, और फिर हम आखिरी एक दो सवाल लेने के बाद इसको एक अच्छे टाइम पे खत्म करते हैं, ताकि बाद में भी जो लोग ये ओरिएंटेशन देख रहे हो तो उनको बहुत लंबी फील ना आ रही होगी, तो 2-2.5 घंटे की है ये, हम किस तरह से गुजारे। हमारे पास 3-4 यस इकट्ठे होना शुरू हो गए। सर आईकेएफ की बुक से हेल्प लेनी चाहिए? आईकेएफ की बुक वे टू फार चली गई है, बहुत अच्छी किताब है, अगर आप सेल्फ पे पढ़ रहे हो और तसल्ली से पढ़ रहे हो और आपने 6-7 महीने तक समझना ऑडिट किया है, तो बड़े जबरदस्त तरीके से बड़ी अच्छी लैंग्वेज के साथ स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझाती जाती है, लेकिन वो टू मच हो जाती है एट टाइम्स। मजे की बात है, आप उस किताब को देखेंगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में मेरी किताब के पूरी की पूरी वर्डिंग, पूरे पूरे चैप्टर वहां पे कॉपी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि उन्होंने अपनी किताब भी जब अपडेट करनी थी तो उस टाइम पे भी मेरी वाली किताब जो है वो काफी हद तक उनके काम आई है, लेकिन ये है कि वो फिर बहुत बहुत टू मच डिटेल्स में चली जाती है। मैं लास्ट मंथ में आप लोगों को आईकेप की किताब का डाटा शेयर कर रहा होता हूँ कि आपने उसमें से क्या क्या चीज करनी है, और अभी जो रिसेंट मेरी ऑडिट की किताब है, आईकेप की किताब में जो 4-5 एक्स्ट्रा वर्किंग थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, जो जिस तरह से उन्होंने मेरी किताब से उठाया था, मैंने आईकेप की किताब से वो बड़ी अच्छी अच्छी वर्किंग उठाई है, तो अब मेरी जो ऑडिट वाली बुक है वो इतनी कम्प्रीहेंसिव है कि इंशाल्लाह ताला आपको आईकेप की किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टैंडर्ड जरूर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पेपर में स्टैंडर्ड आपके पास होगा, ना मेरी किताब होगी ना आईकेएफ की किताब होगी। सर ऑन पेन और पेपर या सॉफ्ट में स्टडी करें समर 2025 के लिए? जी, समर 2025 के लिए प्रैक्टिस कैसे करें? सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लें, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि दिसंबर में आईकेएफ अनाउंस कर देगा सारे ही पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड पे, अभी सिर्फ 2 पेपर्स रह गए और हर अटेम्प्ट में एक एक पेपर ऐड करते जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ऑडिट की बारी आने वाली है, ऑडिट और रिपोर्टिंग शायद एक झटके में आईकेएफ को कर दे, उन्होंने अभी भी कहा है कि हम अगले सेशन में पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड पे ले जाएं, तो अभी इस वक्त अगर आपने 1-2 महीने बाद पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, पहले तो सिर्फ सवाल पढ़ने वाली प्रैक्टिस करें, जब लिखने वाली प्रैक्टिस की तरफ आए तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि आप टाइपिंग वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि समर वाली अटेम्प्ट में चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दिसंबर में तो फॉर श्योर है, जो अगला साल दिसंबर होगा वो तो तकरीबन 99% श्योर है कि वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो समर की अटेम्प्ट है ना वो थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है, 60-70% चांस है कि वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, तो अगर आप 1-2 महीने बाद पास पेपर की प्रैक्टिस करने लगे तो बेहतर है कि आप पास पेपर इस वक्त जबानी करें, दिसंबर में एक दफा आईकेप की अनाउंसमेंट देखें और फिर उसके बाद पास पेपर उस पैटर्न पे करें। सर इसको जल्दी अपलोड करवा दें? जी बिल्कुल, इसी तरह से पास पेपर्स भी हमारे साथ साथ अपलोड हो रहे होंगे, और उसके अलावा जो जो भी इस तरह के सेशन है सॉफ्टवेयर वाली, ये सारी चीजें वो भी सब हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। सर मेरे पास आपकी 1 साल पुरानी बुक है, क्या वो वैलिड होगी? आपने सिर्फ उसमें ISQM 1 और ISQM 2, ये दो नई चीजें ये ऐड करनी है, और वो दो चीजें आपको हमारे उसमें मिल जाएंगी, मतलब गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा वहां पे वो चीज नजर आ जाएगी, नहीं तो आपने मुझे ईमेल कर देनी है, मैं इन दोनों के लेक्चर्स के हैंडआउट्स आपको भेज दूंगा, तो आपके पास ISQM 1 और 2 अपडेटेड आ जाएगा। सर स्टैंडर्ड ऑर्डर करें या ऑनलाइन? अगर तो अटेम्प्ट समर में है अगले साल या दिसंबर में है तो असूलन फिजिकल स्टैंडर्ड मत ऑर्डर करें, क्योंकि अल्टीमेटली अब आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस की तरफ जाना है, आईफैक की वेबसाइट पे जाएं,
आईफेक की वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे स्टैंडर्ड्स वाली एरिया में, तो आप उसे डाउनलोड करने का कहेंगे तो वो कहेंगे जी ये गलत है, मना है, लेकिन फॉर एजुकेशनल पर्पज आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा ये मेरा ईमेल पकड़ो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एजुकेशनल पर्पज के लिए वो स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ना मिले, बिल्कुल परेशान हो जाए, मुझे ईमेल कर दें, मैं उस ईमेल पे आपको अटैच करके भेज दूंगा। सर फिजिकल रजिस्टर पर नोट्स बनाएं या राइटिंग नोट पैड यूज करें, जो चीपर रिलायबल कौन सा है? बेहतर यही है कि आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब आप चूंकि फर्म में आ चुके हैं, तो फर्म में आपकी मैक्सिमम नोटिंग कंप्यूटर पे हो रही होती है, तो कंप्यूटर पे वन नोट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वन नोट एक बड़ा अच्छा टूल है, जो उस पर राइटिंग भी हो जाती है, उस पर बहुत सारी तरह की चीजें कैटेगराइज, ऑर्गेनाइज और नोट्स की तरह से बन जाती हैं। वर्ड, एक्सेल वगैरह के फॉर्मेट भी उस पर कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज करने की आदत डालें, एजुकेशनल पर्पज के लिए बड़ा अच्छा टूल है। अगर आपके पास कोई राइटिंग टैब हो, तो उससे ज्यादा प्यारी बात ही कोई नहीं हो सकती कि आप उस पर टाइप भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। जी टाइपिंग, टाइपिंग के लिए असूलन आपको टाइपिंग ट्यूटर की प्रैक्टिस लेनी होगी, लेकिन दिस इज टू अर्ली फॉर ऑडिट। अभी दिसंबर की अटेम्प्ट पुराने पैटर्न पे है, समर वाली अटेम्प्ट अभी क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए इस वक्त आप सिर्फ ऑडिट का इम्तिहान देने के लिए अपनी टाइपिंग मत इम्प्रूव करें, लेकिन अगर एसपीएम या और कोई इस तरह के इम्तिहान दे रहे हैं, तो उसके लिए जरूर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें। जी फाइनली हमारे पास सारे सवाल जितने भी लिखे हुए आ रहे थे वो आंसर हुए। सर प्लीज सजेस्ट मिनिमम टाइम फॉर सीफेप 1 एंड 6 इफ वी वांट टू कीप दीज टू सब्जेक्ट्स। सीफेप 6 तकरीबन 3 महीने, 3 महीने कम से कम में ये हो सकता है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। सीफेप 1 6 से 7 महीने, क्योंकि उसके अंदर ना लंबे लंबे टॉपिक हैं, स्टैंडर्ड भी पढ़ने हैं और फिर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है, तो तकरीबन 6 7 महीने फॉर सीफेप 1, लेकिन 3 1 महीने अगर सही से पढ़ा जाए तो ऑडिट 3 महीने के अंदर ग्रिप में किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। सर 2 आवर स्ट्रेटेजी को स्प्लिट कैसे करें? ना करें स्प्लिट, एक दिन में एक टॉपिक लेके चलें, एक सब्जेक्ट लेके चलें। आप उन 2 आवर्स के टुकड़े मत करें, उन 2 आवर्स में एक ही थीम रखें, एक ही तरह का सब्जेक्ट। आप दिन डिवाइड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी मैं 3 दिन वो करूंगा ऑडिट करूंगा और 2 दिन एसपीएम करूंगा, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन के अंदर फर्दर टुकड़े ना करें। जब एक फोकस, एक आपने एक सब्जेक्ट उठाया है, तो फिर 2 घंटे कम से कम उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से दे दें। सीफेप 1 और 6 में किस तरह से स्प्लिट करें? 6 को 2 और 1 को 4 दिन मिलने चाहिए, फिर आप 6 दिन के ऊपर स्प्रेड करें। सीफेप 6 को हाफ टाइम दें सीफेप 1 से, सीफेप 1 काफी बड़ा पेपर है। सर फास्ट लेके चलें या स्केड्यूल के मुताबिक करें? आप एक दफा ना शुरू में पहले 1 2 हफ्ते जरा साथ साथ स्केड्यूल के चल के देखें, अगर आपको लगे कि ये अंडर परफॉर्मिंग है और आप थोड़ा ज्यादा तेज परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आप तेजी से चलना शुरू कर दें। ठीक है जी, तो हमारे पास आए हुए जितने भी सवाल हैं वो आंसर हो गए हैं, और लेट्स नॉट मेक इट एक बड़ी फाइल के जिसमें लोग आए और परेशान हो गए, तो 1.5 2 घंटे की ओरिएंटेशन है तो इतना कौन देखे, आजकल तो वैसे ही टाइम स्पेंड बड़ा कम हो गया है लोगों का। फिर भी अगर कोई सवाल आना आंसर्ड है, सामने ईमेल एड्रेस आ रहा है atifabdfc@gmail.com, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल फौरी आंसर होने वाला होगा तो मैं सेम डे आंसर कर रहा हूँ, और अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी पूछी होगी और कोई अपना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम बताया होगा, तो मैं नॉर्मली स्टार लगा के मार्क कर लेता हूँ कि जब मेरे पास जरा इजी टाइम हो तो मैं तसल्ली से वॉइस में डिटेल राइटअप में आपको आंसर दे सकूँ। तो आप लोगों का आना बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आप लोग आए बड़े जोशो खरोश से, आपने सेशन अटेंड किया और बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चले। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम दोबारा मिलते रहेंगे लाइव सेशन में। मेरी ख्वाहिश है कि तकरीबन अब कैफ की रिवीजन के बाद जो पीरियोडिक हमारे लाइव सेशन है उसमें मैं इकट्ठे हूँ, और जो जो प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से पूछें, हम उसको जरूर आंसर करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। जजाक अल्लाह, बच्चों ने कुछ शुक्रिया का भी मैसेज किया, जजाक अल्लाह।